आज मैं लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों के क्रिस्पी पकौड़े। इसमें आपको ना तो लपेटने का झंझट होगा ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए क्रिस्पी पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के अरबी के पत्ते लिए हैं। इनकी जो पीछे साइड पे ये मोटी सी डंठल है ना, इसे हमें काट के निकाल देना है। दोनों ही पत्तों के डंठल को निकाल लेंगे और इनके पीछे जो मोटी डंठल है ना, इसे भी कट करके निकाल लेना है। अगर छोटे साइज़ के पत्ते लिए हैं ना आपने, तो उसमें भी ये पीछे साइड की डंठल कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े पत्तों में डंठल काफ़ी मोटी सी होती है, इसलिए कट करके इसे निकाल देंगे। पत्तों को मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है। डंठल कट करने के बाद अब इन पत्तों को इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इन्हें फोल्ड करने के बाद इन्हें पतला पतला कट कर लेंगे। बहुत मोटा मोटा नहीं कट करिएगा, हल्का पतला ही कट करिएगा। इन पत्तों को घुमाकर फिर से कट कर लेंगे ताकि थोड़े से और बारीक हो जाएं। आप देख सकते हैं जितना हो सके उतना से बारीक कट कर लेना है। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जो पत्ते हैं ये गले में खराश नहीं करेंगे। नमक की वजह से पत्ते सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। चलिए अब पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बोल में 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन ले लेंगे। इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इन दोनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। आप विस्क की जगह चम्मच से या फिर हाथों से इसे अच्छे से फेंट सकते हैं। अच्छे से फेंटिएगा, इस मिक्सचर में ज़रा भी लम्स ना रहे। घोल रेडी करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंटिएगा। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बेसन का घोल बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें ज़रा भी लम्स नहीं है और इस मिक्सचर को मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है। अब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। हींग पचाने में तो मदद करता ही है, बस इससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन कलियों को क्रश करके ले लिया है। हरी मिर्च की मात्रा को आप हमें आप ज़्यादा कम कर लीजिएगा। इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को बेसन के घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने अरबी के पत्ते कट करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे। ये अरबी के पत्ते थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। पत्ते काफ़ी नरम हो गए थे जिसकी वजह से ये बेसन के घोल के साथ आसानी से मिक्स हो गए हैं। अब एक ग्लास ले लेंगे, सिंपल जो हमारे घर में मिक्सर वाले ग्लास होते हैं ना, वही ले लीजिएगा। बहुत छोटा मत लीजिएगा, मीडियम या फिर बड़े साइज़ का लीजिएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अंदर साइड से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। सो हमारा ग्लास ऑयल से अच्छे से ग्रीस हो गया है। इसके किनारों पर थोड़ा सा तिल छिड़क देंगे। ग्लास में हमने ऑलरेडी अच्छे से ऑयल लगा रखा है, तो जो तिल है वो आसानी से चिपक जाएगा और जो हमारा नाश्ता बनेगा ना, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये लीजिए, हमारा ग्लास बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ये जो बेसन का घोल में रेडी किया था ना, इसे भर देंगे। ध्यान रखिएगा ग्लास को बहुत ऊपर तक नहीं भरिएगा, क्योंकि जब ये पकता है ना तो फूल कर ऊपर आता है। सो मैंने बैटर भर दिया अच्छे से, हमारा ग्लास बिल्कुल रेडी है। अब इसे पका लेंगे। सो मैंने पतीले में पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें ये ग्लास रख देंगे। अब इसे हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसे पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए, हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से पक गया है और फेंटने वजह से यह फूल का ऊपर भी आ गया है। अब इसे हम पतले से निकाल लेंगे। अब इसे ग्लास से अलग करने से पहले पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद इसे साइड से इस तरीके से प्रेस करते हुए ग्लास से अलग कर लेंगे। इसे पलट कर इस तरीके से टैप करिएगा, ये आसानी से ग्लास से अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। हल्के हाथ से जेंटली कट करिएगा। इन पीसेस को आप 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। एक टाइट बॉक्स में भरकर इन्हें फ्रिज में रख दें। अब इन पीसेस को हल्का सेक लेंगे जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। पैन में थोड़ा ऑयल ले लेंगे।
आप चाहते हो ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल का गर्म हो गया है, अब इसमें एक एक करके ये पीसेस रख देंगे। आप चाहते हो ना एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप ओवन में इन्हें बेक कर लें। सारे पीसेस रखने के बाद इन्हें हम नीचे साइड से क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। जब नीचे साइड से क्रिस्पी हो जाएगा तो इन्हें पलट लेंगे, और पलटने के बाद इन्हें दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और इसी के साथ ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना है। और आप इन्हें फ्राई करने के बाद स्टोर करना चाहते हैं तो आप इन्हें डीप फ्राई करिएगा, एक बार बना कर देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।